शहर में राजनीतिक क्षेत्र में आज से नई पार्टी की शुरुआत नव सर्जन भारत पार्टी के नाम से हुई है। आम जनता के प्रश्नों को आवाज देने इस पार्टी की शुरुआत की गई होने की बात सामने आई है। आज सर्किट हाउस में पत्रकार परिषद के जरिए इस बात की जानकारी दी गई थी। गुजरात राज्य में नवसर्जन भारत पार्टी के करीबन 5 लाख कार्यकर्ता इस समय सक्रिय है, जबकि गुजरात के साथ राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी नवसर्जन भारत पार्टी इन दिनों सक्रिय है। तब आज प्रदेश अध्यक्ष चिंतन पटेल की ओर से नवसर्जन पार्टी की जानकारी दी गई थी। अबे पहलू तो तुमने एक वस्तु जनावी दो के मारी पार्टी ने एक माळखू छे नवसर्जन भारत पार्टी जनता सरकार, हूँ एनो गुजरात प्रदेश नो अध्यक्ष छू चिंतन भाई पटेल। हवे आजे अमारो एक उद्देश्य एवो छे के अमे आ पार्टी नी एक एवी रचना करी छे के 2018 नी अंदर नेशनल लेवल नी अमारी आ पार्टी छे। आजे अमारो उद्देश्य ए छे के अमे पोते आजे भाजप कांग्रेस के अधर कोई पण पार्टी होय एनी सामे अमे एक एवो अपक्ष लईने आया छे, एने ए अपक्ष द्वारा अमे सामे लड़त आपीशुं भाजप कांग्रेस के गमे तेवो, पण जे तंत्र काम के सरकारी व्यक्ति अत्यार सुधी ने बराबर छे, आजे नागरिक के प्रजानुं कोई पण काम ने हेतुनुं कोई करतुं नथी, एना माटेनी लड़त मारवा माटे अमारी पोतानी पार्टीनी एक रचना करी छे। आजे 15 ऑगस्टे आनी अमे शरूआत कर दीधेली छे। अमारे पोतानुं एक माळखुं छे, माळखा साथे अमारा पोताना आखा गुजरातमां 5 लाख होद्देदार छे, प्लस के जोड़े जोड़े अमरु राजस्थान महाराष्ट्र एमपी एट मध्य प्रदेश अने गुजरात नी अंदर अमरु माळखानी रचना थई गई छे। अमे स्टेट लेवल नी पार्टी बनावेली छे।